अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई मिस्टर हैश आ गया एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं, अभी उतनी पता मैं कुछ डिसाइड कर रहा हूँ अभी बाइक के ऊपर ही। तो सोचते सोचते मैं पहुँच गया हूँ। जी हम आ गए इधर बर्गर होप्स पर। ये है बर्गर होप के साइड काउंटर्स की कुछ इस तरह की लुक, जो कि मेन रोड पर नज़र आएगी आपको। ये है इनकी आउटसाइड पर डाइनिंग, जो कि रोड के साथ ही है। इसके अलावा इनका दूसरा हाल भी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा हाल है जो हम अभी ऊपर चढ़ के जाने लगे हैं, स्टेयर से ऊपर बाहर का व्यू आउटसाइड पे, और यहाँ पे अब फिर दोबारा से ऊपर चढ़ेंगे। ये इनकी टॉप ऑफ फ्लोर, यहाँ पे ये इनकी टॉप मंजिल की आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डाइनिंग है फैमिली के साथ। अदरवाइज यहाँ पर इस टाइम मैं जो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पर इस टाइम कोई भी फैमिली का वगैरह रश वगैरह नहीं है कुछ भी। ये इनका फैमिली डाइनिंग हॉल मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर मिड में है चेयर विद टेबल एंड साइड पर है सोफ़ा सेट, एंड मिड में इनका ये प्यारी सी ग्रास के साथ आर्टिफिशियल ग्रास है, जो कि काफ़ी अच्छी एक लुक देती है हॉल को। यहाँ पर LCD वगैरह भी लगी हुई है, आप इधर इजीली कंफर्टेबल होके अपना डाइन कर सकते हैं। मुझे स्पेशली ये वाली इनकी सेटिंग काफ़ी अच्छी लगी। दिस इज़ चाइल्ड एरिया प्ले साइड, योर चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर इजीली। हेयर हैव अ 3 स्लाइड्स विद ब्यूटीफुल कारपेट्स। लो जी, ये है बर्गर होप्स का मेन्यू शेन्यू। तो अब देखते हैं हम आज क्या खाते हैं यहाँ से। लास्ट टाइम तो मैंने इनका चिकन पैटी बर्गर ट्राई किया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। इधर तो 3-4 पेज फ्रंट में हैं और बैक पे हैं, तो सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं यहाँ से। अब काफ़ी सोचने के बाद मैंने सिलेक्ट किया टील 2 थंडर बर्गर, 1 रेगुलर फ्राइज एंड 1 रेगुलर ड्रिंक। ये किस चीज़ से बनी हुई है? चिकन। चिकन ठीक है। ये कितनी देर के लिए आपने इसमें लगा दिया? 5 मिनट। टाइमिंग वगैरह सेट कर दी होगी आपने? यहाँ पर ये फ्राइज रेडी होने के लिए आलू वगैरह काटती हैं। इन्होंने थंडर पैटी के अंदर ही इन्होंने फ्राइज डाल दिए, तो कुछ होगा तो नहीं इसमें? नहीं मतलब इसको कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा। ये आधा वो भी अपनी जगह फ्राई हो रहा है, ये भी अपनी जगह फ्राई हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा अपनी जगह। फ्राइज पे जो 4 मिनट है, पेटी 5 मिनट है, बस 1 मिनट का पड़ा कहीं। 1 मिनट ये फ्राइज सिंपल है, इसमें सिंपल फ्राइज नहीं है। अरे तैयार हो गई है, ठीक है, फ्राइज हमारी अब रेडी है। फ्राइज हम रेगुलर फ्राइज निकाल दिए, थंडर को भी 1 मिनट रहते हैं। थंडर को अभी 1 मिनट रहता है, यानी कि फ्राइज वगैरह रेडी हो गई आपकी? रेडी हो गई अभी 1 मिनट। ये थंडर पैटी आपने डाली है, इसमें ये आप खुद बनाते हैं या आप कोई मतलब कंपनी वगैरह की यूज़ होती है? नहीं, ये कंपनी की यूज़ होती है, ठीक है, कैनन कंपनी वाले मेन्यू कंपनी की आती है। तो जी यहाँ पर हमारी लगता पैटी वगैरह भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। ये अभी 5 मिनट हो गए, तो ये तैयार है, अभी सिर्फ ब्रेड मिलेगा नहीं गर्म करके, ठीक है। तो पेटी हो गई, अब ये ऊपर के पान वगैरह आ गए। इसको कितनी देर की हीट चाहिए? 20-30 सेकंड तक। पैटी वगैरह गर्म हो गई है, अब इसमें कोई सॉस डाल रहे हैं आप? कौन सी सॉस? ये बर्गर की रील की मैं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्पेशल सॉस है जो भी ले जाइए। ये आइस बर्ग आ गई, ठीक है, ये आइस बर्ग आ गई, ले आ जी। बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया जी। अपने ऑर्डर वगैरह का वेट करते हुए यहाँ पर बैठ गया हूँ अपनी डाइनिंग के ऊपर, एंड देन फाइनली थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर हमें सर्व कर दिया जाएगा। तो जी भाजी, आ गई हमारी थंडर बर्गर फ्राइज विथ ड्यू कोल्ड ड्रिंक्स। ये हमें साथ प्लेट भी सर्व कर दी। यहाँ पर आप
देख सकते हैं कि बिल्कुल ही एक अच्छे किस्म का इन्होंने करके इसको सजावट की है, की हुई है। यहाँ पर ऊपर डेल्फिन वाल्फिन जो भी इसका नाम है वाट एवर, मुझे नहीं मेरे माइंड में आ रहा है इस टाइम। यहाँ पर अगर मैं बर्गर की लुक चेक करवाता चलूँ तो टॉप ऑफ द हेड आप चेक कर सकते हैं अंदर से कितने में आप कुछ ऐसा होगा, लेटेस्ट स्टडी हुई है। यहाँ से हमने अपना बर्गर उठाया अपनी प्लेट में सब। यहाँ पर बर्गर की फर्स्ट बाइट कुछ इस तरह से, अगर बात करूँ यहाँ पर मैं टेस्ट की तो जैसे एज आ सेम एज ओल्ड टाइम मैंने चिकन पैटी का बर्गर ट्राई किया था थंडर में, यहाँ पर इतना फ़र्क है कि ये ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची और थोड़ा लिटिल बिट मोर स्पाइसी है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सेम एज लॉलीपॉप की तरह लगता है। इसके टेस्ट की बात करूँ थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा। ये प्राइस आप चेक कर सकते हैं, सिंपल से प्राइस जो कि लाइट वेट एज बर्गर के साथ होपफुली यही लाइक होते हैं ज़्यादातर। तो हम इसको ट्राई करते हैं फर्स्ट, ये सिंपल सिंपल से छोटे मोटे टाइनी पे फ्राइज। लिटल बिट स्वीट पोटैटोस। आप अपने अपने व्यू को करते हैं हम यहाँ पर। ड्यून आप या तो फिर क्या चाहिए। एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, जो इसके अंदर चिकन यूज़ किया गया है चिकन पैटी थंडर पैटी के लिए वो काफ़ी अच्छा है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि बहुत ही एक सॉफ्ट एंड जूसी किस्म का फील हो रहा है यहाँ पर। अब इसको केचप के साथ हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ी सी केचप, इसको हम केचप के साथ ट्राई करते हैं। हमें मिला हुआ हमें एक रस्ट्रा जो कि हम कोल्ड ड्रिंक के साथ लगाएंगे और उसके साथ भी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पाजी हम देसी लवर और फैन हैं तो हम ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक को ट्राई करेंगे, हमें स्ट्रा वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ना पिया तो फिर क्या जिया। अगर बात करूँ मैं इनके टेस्ट की तो ये बिल्कुल ये ऐसा सिंपल से हैं, और बर्गर के साथ अगर ट्राई करें तो एज अ सिंपल ही यूज़ होते हैं। अगर आप चाहते हैं मोर क्रंची एंड वो तो एक सेपरेट ही बेहतर लगते हैं, अगर बर्गर के साथ आपने ट्राई करने हो तो बिल्कुल सिंपल ही फ्राइज अच्छे लगते हैं। हाँ अगर यहाँ पर केचप के साथ इस फ्राइज को ट्राई किया जाए जो कि मैं ट्राई करने लगा हूँ, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता चलूँ, सेम एज अ ओल्ड टाइम जब अब हम बच्चे थे तो हमें मार्केट से स्नैक्स मिलते थे पोटैटो स्टिक्स के नाम से, उनमें ऐसे इससे भी छोटे होते थे और उसके साथ मिलती थी केचप। केचप के साथ वो जब ट्राई करते थे सेम एज आ लिटिल बिट स्वीट स्वीट बहुत ही अच्छे लगते थे और वो स्नैक हेल्दी भी होते थे। और बचपन की याद यहाँ पे ज़्यादा हो गई है इस प्राइस के साथ। बर्गर को भी यहाँ पर लास्ट बाइट बिल्कुल फिनिश कर लिया और प्राइस मेरे थोड़े से रह गए हैं जिनको मैं अभी जल्दी जल्दी से फिनिश करने लगा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मेरा। इधर मैंने फ्राइज वगैरह भी मैंने फिनिश कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक मेरी रह गई है उसको भी मैं जल्दी से फिनिश करने लगा हूँ। अपनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मैंने फिनिश कर ली है। मुझे तो अपना फेस वगैरह साफ़ करते हैं, मैंने अपने हैंड काफ़ी गंदे कर लिए हैं बहुत। तो ये अपना सब कुछ यहाँ से हमने अब फिनिश कर लिया है, तो अब फाइनली हम यहाँ पे अपना बिल पे करेंगे। ये हमारा बिल आ गया, बिल वगैरह हम पे करें जल्दी से। तो जी बिल वगैरह मैंने पे कर दिया है, तो अब यहाँ से हम वापस नीचे जाने लगे हैं ये डाइनिंग इस डाइनिंग से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इतना गंद डाल दिया हुआ है। आई एम सॉरी बर्गर हो, इसके लिए मैं मदद करता हूँ क्योंकि आज मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं था तो सब कुछ मुझे अकेले मैनेज करना पड़ा, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया। तो अगेन मैं आपसे ये सॉरी करता हूँ।
लो जी अब हम यहाँ से निकले नीचे की तरफ जाएँ, ये सेम है तस्वीर मैंने आगे भी दिखाई थी। यहाँ से फ्रंट ऊपर का व्यू काफ़ी प्यारा है, वाह दिल करता है यहाँ पर ही रह दूँ मैं। और यहाँ से उतरे देखने में तो मुझे यहाँ से भी डर लग रहा है उतरने में, ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर चढ़ने पर क्योंकि कभी आदत नहीं हुई इससे। ये रिटर्न वगैरह भी मिल गया हमें तो अब चल पड़े हम घर को निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया, हम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो बाइक से शेक हैंड करने के बाद हम यहाँ से वापस चलते हैं जी। चलो अब यार यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। लो जी हमारी पजारो खड़ी है यहाँ पर, चलो जी पजारो पे बैठते हैं। बाइक वगैरह को अनलॉक करके स्विच को गया हम यहाँ और बैक करते हैं यहाँ से, देखिए काफ़ी चार गाड़ियों वाले उड़ रहे हैं यहाँ से, ड्रेसें वगैरह लगाई हुई हैं उन्होंने। लो जी फाइनली अब मारेंगे बर्गर होप्स को बाय बाय करने के बाद चल पड़े वापस। यहाँ से हम हैंडलपुरा रोड से निकलेंगे बाहर, बाहर निकलने पे हमें हमारा मेन रोड आ गया नज़र, ये गोदपुर का रोड। चले अब हम जा रहे हैं हम घर को वापस। तो आई होप आपको वीडियो वगैरह अच्छी लगी हो, तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।